नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के दौरे के दौरान पंचकुला पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हेलीकॉप्टर पंचकुला में लैंड हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा ओपी धनखड़ ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक कर रहे हैं और शाम 6:45 पर कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल हुए। इस दौरान काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए हरियाणा सरकार सितंबर महीने में पोषण माह के तौर पर मना रही है और इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कर पोषण के महत्व को समझाया जाएगा। चढ़ती कला टाइम टीवी से विशेष बातचीत करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कमिश्नर व सचिव अमनीत पी कुमार ने बताया कि बच्चों के पोषण को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। हरियाणा के बच्चे और महिलाएं कुपोषण रहित होकर शक्तिशाली बने, इसके लिए 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसकी 1 सितंबर से शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं द्वारा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्र में विशेष रेसिपी के साथ मेन्यू भी तैयार किया गया है और इस बार इसमें मोटा अनाज बाजरे को भी शामिल किया गया है। जैसे कि आपको विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन है कि जो हमारे हरियाणा का महिला और बाल विकास पूरा डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत जो लेटेस्ट डेटा आया है NFHS का और अनीमिया मुक्त करने का प्रयास हम कर रहे हैं, उसमें ज़रूरी है कि पोषण पे ध्यान दिया जाए पूरे देश में और हमारे प्रदेश में भी। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हम पोषण माह का जो है आगाज़ कर चुके हैं। देर रात पंचकुला के सेक्टर 9 में लगी भयंकर आग में रेडी मार्केट जलकर राख हो गई, जिससे दुकानदारों का करोड़ों का नुकसान हो गया। तकरीबन 5 घंटे की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए। प्रशासन की ओर से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग लगने की वजह क्या है। वहीं पंचकुला सेक्टर 9 की रेडी मार्केट में लगी भयंकर आग से हुए करोड़ों रुपए के नुकसान को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विदेश से अपने वीडियो के जरिए पीड़ितों को सरकार की तरफ से मदद दिलवाने का आश्वासन दिलाया। वहीं पंचकुला की रेडी मार्केट मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं पहुंचे। इस दौरान वे आग से प्रभावित दुकानदारों से मिले। पंचकुला में आग लगने की घटना पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया और कहा कि सरकार दुकानदारों के साथ खड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री ने आग से प्रभावित दुकानदारों को 25,000 की प्रारंभिक राहत की घोषणा की। इसके साथ ही 100 के करीब दुकानदारों को प्रारंभिक सहायता मिलेगी। व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के जरिए प्रभावित दुकानदारों की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पंचकुला सेक्टर 9 की रेडी मार्केट के अंदर भयंकर आग लगने से मार्केट पूरी तरह तबाह हो गई। इसका मुझे गहरा दुख है। इस आग के कारण सैकड़ों परिवारों के ऊपर रोजी रोटी का संकट आन खड़ा हुआ है। इस दुख की घड़ी में मैं इन परिवारों के साथ और हमारी सरकार इन सभी परिवारों की सहायता देने का पूरा प्रयास करेगी। आज मैंने सभी अधिकारियों को, पंचकुला प्रशासन के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वह तुरंत मौके पर जाकर के आग पर काबू करने का प्रयास करें और पीड़ितों को राहत देने का प्रयास करें। विदेश में होने के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से आज इस दुख की घड़ी में आपके बीच में शामिल नहीं हो पाया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें 25 तारीख को होने वाले कार्यक्रम का न्योता दिया, जहां सभी व्यापारियों कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, फूल भेंट कर उनका सत्कार किया गया। इस दौरान चौटाला ने संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श किया। दरअसल 25 सितंबर को फतेहाबाद में ताऊ देवीलाल का जन्म दिवस मनाया जाएगा और इस दौरान इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बताया कि वे पार्टी वर्करों से मिलकर पार्टी संगठन को और मजबूत बना रहे हैं। नगर चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष का तो दिवाला पिट रहा है, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हमें जनता की ओर से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। मैं तो पार्टी वर्कर से मिल रहा हूं। अच्छा, और संगठन को मजबूत बनाने के लिए उन सबको तैयार सर, आने वाली 25 तारीख को आपकी रैली है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपको निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप सारे 25 को धन्यवाद सर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप सब धन्यवाद।
सर, आने वाले नगर निगम चुनाव में आप इनेलो पार्टी को कहां पर देखते हैं? जो पीछे कुछ चुनाव हुए हैं उनके परिणामों से आपने कोई अंदाजा किया? सत्ता पक्ष का तो दिवाला प्रश्न है, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हमें लोगों की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। फरीदाबाद के हालात को लेकर क्या कहेंगे आप? नगर निगम में 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ, क्या कहेंगे? एक ही घोटाला हुआ है, सुर्खियों में हुई है, सरकारी घोटाले सुर्खियों में चल रहा है फरीदाबाद में, सरकार ही घोटाले की। मामला फरीदाबाद का है जहां क्राइम ब्रांच ने 3 दिन पहले हुई एथलीट की हत्या के मामले को सुलझाते हुए ये दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में खिलाड़ी समेत 3 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे अजय नाम के युवक पर आरोप है कि इसी ने सेक्टर 12 स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले एथलीट प्रियांशु की चाकुओं से गोद कर उस समय हत्या कर दी जब वह प्रैक्टिस करके साइकिल से घर लौट रहा था। पुलिस के मुताबिक अजय और प्रियांशु दोनों ही सेक्टर 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग किया करते थे और वहां पर इनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर अजय ने प्रियांशु की हत्या का प्लान बनाया। इस प्लान में उसके साथी ने उसे चाकू ला कर दिया तो उसके भाई ने उसकी हत्या के बाद उस चाकू को ठिकाने लगाया और प्रियांशु की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि प्रियांशु बेशानदार एथलीट था और 200 से ज्यादा मेडल जीत चुका था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और हत्या के आरोप में अजय उसके भाई और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से चाकू रिकवर करने की कोशिश में जुटी हुई है। ये मंगलवार शाम की घटना है और जो प्रियांशु जो एथलीट है ये अपने प्रैक्टिस करके अपने घर जा रहा था चावल संजय कॉलोनी, वो पीछे से जो दूसरा प्रैक्टिस करने वाला जो इसका एक साथी था जिनकी इनकी 3-4 दिन पहले झगड़ा हुआ था ट्रैक पे और एक दूसरे के ट्रैक में घुसने की वजह से, तो उसी रंजिश के चलते जो आरोपी अजय है उसने इसको साइकिल से, वो भी साइकिल पर जा रहा था और पीछे से वो भी साइकिल पर जाकर उसको टक्कर मार के गिरा कर चाकू से हमला करके उसके छाती पर उसके वार किया था, जिससे कि फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी प्रियांशु की। इस मामले में थाना सेंट्रल में मुकदमा दर्ज किया गया था और इसकी क्राइम ब्रांच DLF तफ्तीश कर रहा था, इसमें आरोपी को धरपकड़ में सफलता मिली जिसमें आरोपी अजय को सेक्टर 12 एरिया से अरेस्ट कर लिया गया और पूछताछ में पता लगा है कि जो इसका आरोपी अजय है झगड़े की वजह से इसने रंजिश मार ली थी और उसने उसको मार दिया, इसको चाकू ला के दिया था इसके दोस्त अभिषेक ने, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और इसका जो ब्रदर है दीपक, ये इसने चाकू से खून साफ किया था और चाकू को छुपाया था। इस मामले में तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है, आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। फरीदाबाद में चोरी, स्नैचिंग, लूटपाट और हत्या की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, जिन पर पुलिस का अंकुश लगाना नामुमकिन साबित हो रहा है। ताजा मामला फरीदाबाद के 3 नंबर इलाके का है जहां 3 नंबर पुलिस चौकी से महज चंद कदमों की दूरी पर चाबी बनाने वाले एक शख्स ने दिन दिहाड़े महिला के घर में अलमारी की चाबी बनाने का झांसा देकर अलमारी के लॉकर में रखे सोने और हीरे के जेवरात सहित लॉकर में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गया। इस घटना में आरोपी की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित महिला के मुताबिक उसने इसकी शिकायत 3 नंबर चौकी में की है, लेकिन 3 नंबर चौकी के पुलिस इंचार्ज कार्रवाई करने की बजाय उन्हें बार बार चौकी के चक्कर कटवा रहे हैं। इस मामले में जब पुलिस प्रवक्ता से बात की गई तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि घटना में आरोपी CCTV में कैद है, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये NIT 3 की बात है और इसकी महिला ने किसी राह चलते को आवाज़ सुन के राह चलते को ऊपर बुला लिया और उनके कोई अलमारी में लॉक की प्रॉब्लम थी और उसको बुला के और उसने अपना ताला जो भी ठीक करवाया और इसी दौरान उससे तेल जैसे भी इस तरह के जो राह चलते अनजान जो लोग होते हैं इस तरह घर में घुसते हैं, इनकी एंट्री होती है, फ्रेंडली एंट्री हो जाती है और वो कुछ भी किसी भी बहाने से कोई चीज़ मंगाते हैं और जब तक मालिक इधर उधर हो जाता है, जब घर में अक्सर अमूमन आपने देखा होगा कि महिलाएं ही रहती हैं तो इतनी देर में वो अपना हाथ साफ कर जाते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि किसी भी अनजान से या किसी भी राह चलते से इस तरह का अपने लोग ठीक कराने का या प्लम्बिंग का इस तरह का कोई भी कार्य ना करवाएं, करें तो अपनी नज़र के सामने करवाएं, 1 मिनट के लिए भी ओझल ना हो। इस मामले में पुलिस को शिकायत मिली है अभी और इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, आरोपी के CCTV फुटेज चेक किए हैं और जल्दी इसको गिरफ्तार किया जाएगा। पता लगे कि कितने का उसमें से जो सोना चोरी हुआ है या कैसे? ये अभी उन्होंने अपनी शिकायत दी है अभी उन्होंने, तो उसमें जो अभी चेक करके बताया जाएगा कि कितना है उसमें, कुछ अंगूठी वगैरह बताए उन्होंने और कुछ पैसा था
गोल्ड वो वहीं छोड़ के बताए, लेकिन कोई डायमंड की अंगूठी थी वो कुछ लेके गए। आम आदमी पार्टी की उत्तरी हरियाणा की संयोजक चित्रा सरवारा ने अंबाला छावनी में अपने निवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा पूरे देश में मेक इंडिया नंबर वन मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें वह देश के हर प्रदेश में एक जनसभा करेंगे। उसी के तहत वह हरियाणा के अंदर आनंदपुर की नाच मंडी में 8 सितम्बर को एक जनसभा करने जा रहे हैं, जिसमें अंबाला से कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ शामिल होंगे। इस उन्होंने भाजपा पर भी जमकर जुबानी प्रहार किए। आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है आम आदमी पार्टी की, इसके अंदर हम अरविंद केजरीवाल जी का एक कार्यक्रम है जो उन्होंने गत दिनों दिल्ली में अनाउंस किया था, मेक इंडिया नंबर वन मिशन। और दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने एक एजुकेशन, हेल्थ और सिविक सर्विसेज के अंदर जो एक मैं कहूँगी एग्जेम्पलरी उन्होंने एक परफॉर्मेंस दिखाई है, उन्होंने एक मिसाल खड़ी करी है जिसे आज देश विदेश और प्रदेशों में जिसे सराहा जा रहा है, उस परफॉर्मेंस को लेके वो चाहते हैं, उनकी एक विजन है कि आज हमारा पूरा देश दुनिया का नंबर वन देश बने, जिस तरह उन्होंने दिल्ली को एक नंबर वन शहर बनाया है। इस कार्यक्रम के तहत, मेक इंडिया नंबर वन मिशन के तहत, केजरीवाल जी हर प्रदेश में जाकर जो है जनसभाएं, जनवार्ता करेंगे लोगों से, युवाओं से, स्टूडेंट से जो है। और इन मीटिंग्स के अंदर वो चाहते हैं कि हर पार्टीवाद से ऊपर उठकर, हर जातिवाद से ऊपर उठकर, हर क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, हर तरह के वाद विवाद से ऊपर उठकर हिंदुस्तान, भारतीय जितने भी लोग हैं सब इस मिशन से जुड़ें। अगर हम इंडिया नंबर वन बनाने चले हैं तो लाजमी है हमें हरियाणा भी नंबर वन बनाने की तरफ कदम उठाने पड़ेंगे। तो ये हरियाणा वासियों के लिए भी है कि मेक हरियाणा नंबर वन, इस हमारे जनसभा में आप सब आकर जुड़ें। आज हरियाणा नंबर वन है बेरोजगारी में, आज हरियाणा नंबर वन है भ्रष्टाचार में। इन सारी मुश्किलों को अगर हमें पीछे छोड़ना है तो हमें राजनीति छोड़कर राजनीति की तरफ जाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदीप चौधरी की अध्यक्षता में एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इस मौके पर पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी अजय सिंगला, प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव पवन कुमारी, सुशील गर्ग भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कल 4 सितम्बर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बढ़ती महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन करने जा रही है, और इसी सिलसिले में कालका विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान शुरू कर रखा है। कालका में अपने साथियों से विचार विमर्श किया गया, और इस रैली में कालका क्षेत्र में साथियों का योगदान हो, इसलिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रैली की सफलता हेतु तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया। कांग्रेस पार्टी की कल दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में महंगाई बेरोजगारी को लेकर एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। उस सिलसिले में हमने अपने कालका विधानसभा क्षेत्र में एक जनसंपर्क अभियान शुरू कर रखा है। उस सिलसिले में आज कालका में भी अपने साथियों से विचार विमर्श करने के लिए कि उस रैली में हमारा, हमारे साथियों का, हमारे क्षेत्र का भी योगदान हो, उसके लिए हम यहाँ प्रेस से भी मिले, और प्रेस वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि हमारी हर बात को, जनहित में जुड़े हर मुद्दे को हमारे प्रेस के साथी बहुत अच्छी तरह उठाते आ रहे हैं, और जनता हित में ऐसी पत्रकारिता, ऐसे प्रेस के साथियों को उठानी भी चाहिए ऐसी बातें, ताकि लोगों में एक अच्छा संदेश जाए। यमुनानगर में पेट्रोल पंप पर लूट की नाकाम कोशिश का वीडियो कल लूट के दौरान सामने आया था, तब से यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लूट करने आए युवक को सेल्समैन ने मौके पर ही पकड़ लिया और फिर जमकर धुनाई की, और पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। लुटेरे मोनू ने पुलिस में पूछताछ में दोहराया कि उसकी मां के इलाज के लिए लूट की कोशिश की, और मोनू ने कहा कि उसकी मां का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। ऐसे में मोनू ने मेहनत से नहीं बल्कि लूट को पैसे कमाने का जरिया बनाया और अवैध हथियार के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंच गया। फिलहाल आरोपी मोनू को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सूचना मिलने पर मैं खुद अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचा हूं। तो जिस टाइम मौके पर पहुंचा उस टाइम पब्लिक काफ़ी इकट्ठी हुई थी और आरोपी को भी काबू किया हुआ था, और जो उसमें पूछताछ पे और जो मौके पे ही हमारे को एक कट्टा चला हुआ है वो उसमें से घोल और आगे का जो रोंद का सिक्का है वो भी हमने मौके से बरामद कर लिया था। तो उसमें पूछताछ पे पता चला है, इसने बताया मोनू नाम का लड़का है, ये इसका यूपी का रहने वाला है, जिला शामली का, और इसके साथ दूसरा लड़का था जो इसकी इसमें पूछताछ में आया, ललित नाम का लड़का है, तो ये सौंदावास का है
जिला सहारनपुर में पड़ता है, यूपी में से बिलोंग करता है भी, तो उसको भी हम आज इसके रिमांड लेकर उसकी तलाश करके उसको भी राउंड अप करेंगे। और जब पूछताछ के दौरान इसमें आया, इसने बताया कि अब मेरी माँ बीमार थी और उसके इलाज के लिए मेरे को पैसे चाहिए, तो कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था, उसी को पैसों के वो करने के लिए इसने वारदात को अपने साथी के साथ ही उसको अंजाम दिया है। और जो इससे पूछताछ लगे है, पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसका, जो इसका कंसल्ट करने से आज पता करके इसके कितने इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, तो अभी तफ्तीश जारी है। ये मौके पर पूरा प्रॉपर मौके तक आया था ये, और जैसे इसने देखा कि इसके साथी को पकड़ लिया, उसने से गोली चला दी है, तो उसके बाद ये वहाँ से फरार हो गया मोटरसाइकिल। अभी जो सामने आया है अभी तो दो आदमी है, पुलिस आज कोर्ट में पेश करके इसका रिमांड लेगा। फतेहाबाद के रतिया में राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ 8 शिक्षकों के भरोसे पर अब 1100 विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे। क्लासों के अंदर अध्यापकों की कमी के कारण कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जिसके चलते शिक्षकों का इंतजार कर रहे बच्चों को फेल होने का डर भी सता रहा है। स्कूल से 20 अध्यापकों की ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुकी है और स्कूल खाली सा हो गया है। ऐसे में स्कूली बच्चों द्वारा बीईओ दफ्तर का घेराव किया गया। उन्होंने कहा कि अध्यापकों की कमी पूरे करने की मांग है और सरकार की चिराग योजना के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। आज का हमारा विरोध प्रदर्शन का मतलब वो हमारा मॉडल संस्कृत स्कूलों में जो टीचर नहीं उपलब्ध करवाए जा रहे उसका है, जो बाकी स्कूलों में ट्रांसफर हुआ एचसीबीएसई बोर्ड है यहाँ पे, वहाँ पे सभी टीचर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और हमारा मॉडल संस्कृत स्कूल है, इसमें बोल रहे हैं कि सेंटा के थ्रू टीचर आएंगे और सेंटा का रेस्ट होगा 20 तारीख को, उसके बाद 15-20 दिन बाद टीचरों की ज्वाइनिंग होगी, तब तक तो हमारे पेपर भी निकल जाएंगे और हमारे पेपर नजदीक आ रहे हैं। हमारी पढ़ाई पहले से नहीं हो रही थी, अब बिल्कुल नहीं हो रही। अभी 6-7 टीचर बच्चे हैं जो घंटियां भी नहीं लगाते और बैठे रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, कितना डर सता रहा है फेल होने का? फेल होने का तो अब ऐसा है सीबीएसई बोर्ड में, तो अगर एक बार बच्चा फेल हो तो उसका दोबारा एडमिशन होता। हमने 2500 रुपये फीस ही भर रखी है और उस फीस भरी का क्या फायदा, अगर हमारी घंटियां लगी तो हम पास नहीं हुए। अच्छा, तो इसलिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार ये चिराग योजना रद्द करे और यहाँ पे टीचर उपलब्ध करवाए। अच्छा, तो अभी कितने टीचर यहाँ पर उपलब्ध हैं? उपलब्ध यहाँ पे 5-6 टीचर उपलब्ध है, बाकी की ट्रांसफर होगी। बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की 700-800 संख्या है बच्चों की, और 5-6 टीचर दे रखे हैं इसमें स्कूल को। अच्छा, यमुनानगर के सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग की खस्ता हाल स्थिति को लेकर रादौर में भारतीय किसान यूनियन टेकै से जुड़े किसानों ने सड़क मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद किसान सड़क किनारे टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए और शासन और प्रशासन विरोधी नारेबाजी की। किसानों के रोड जाम किए जाने के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी व पुलिस बल मौके पर पहुंचे और किसानों को जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया, लेकिन किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर आज इस सड़क पर पैचवर्क का कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। फैसला लिया है कमेटी ने, आज अगर आधे घंटे में 10 मिनट में भी काम शुरू कर दे पैच लगाने का सरकार, तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। और 12 बजे तक रोड जाम रहेगा और ये टेंट परमानेंट के लिए रहेगा। 11-11 आदमी डेली बैठे रहेंगे इसमें हर रोज, ये परमानेंट जब तक काम नहीं चलता। सड़क नहीं बनती जब तक, मान लो 2 साल में सड़क बने, 4 साल में बने, इतना सड़क पे पैंच वाला काम जारी रहना चाहिए और कोई खड्डा नहीं होना चाहिए, कोई रेत नहीं होनी चाहिए। हमारी यही मांग है, अगर 10 मिनट में लग जाए कोई मशीन आ जाए। अनिल विज के लिए 15 तारीख को दिन रात मशीनें चली। आम लोगों की बात करते हैं, आम लोगों के लिए क्यों नहीं है मशीनें? में आम लोगों की जानने जा रही हैं। इन्होंने कहा भी 3 महीने में काम लग जाएगा और 1 महीने हमारा गन्ने का सीजन शुरू हो रहा है, शुगर मिल चालू हो जाएगा, गन्ने की ट्रालियां पलटेंगे, किसानों का सीजन शुरू हो जाएगा। हमारा आश्वासन का झूठा है, हम आश्वासन नहीं मानते। हमारी तो यही मांग है अभी पैच वाला काम शुरू हो जाए। हरियाणा में सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है। विपक्ष इस मसले को लेकर हरियाणा सरकार को जमकर घेर रहा है। यमुनानगर में पहुंची पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के गृह जिले में एक बैठक के लिए पहुंची थी। इस दौरान गीता भुक्कल ने सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। गीता भुक्कल पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार स्कूलों को खोलने की बजाय बंद करने में लगी है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में काफी आक्रोश है। और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कागजों में कुछ और कहती है और करती कुछ और है। शिक्षा की ओर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार का कोई भी ध्यान किसी प्रकार से नहीं है। 48,000 से ज्यादा वैकेंसीज थी जिनको 38,000 बताया गया, फिर लिखित तौर पर कॉल अटेंशन देकर उनको 36,000 बताया गया। उसके बाद अब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं 15,000 पोस्टों को खत्म किया जा रहा है, स्कूलों को खत्म किया जा रहा है, शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया है। कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर में स्कूल बचाओ, शिक्षा बचाओ, हरियाणा बचाओ का प्रस्ताव पास किया और हम लोग चाहते हैं कि स्कूल नए खुलने चाहिए, ना कि बंद होने चाहिए। आप प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। पहली बार ऐसा है जिसमें शिक्षक भी धरने पर हैं,
उनके शिष्य भी और अभिभावक भी जो है वो धरने पर बैठे हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, स्वयं शिक्षा मंत्री जी के गृह क्षेत्र में स्कूल बंद हो रहे हैं और उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है, 2200 से ज़्यादा स्कूलों को हमने अपग्रेड किया था, आरोही मॉडल स्कूल, किसान मॉडल स्कूल बनाए, नए नए स्कूल हमने बनाए। इन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूल केवल नामकरण किया है, एक भी टीचर की भर्ती इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं की गई है। 4000 प्लेवे स्कूल बनाए, एक भी नई भर्ती नहीं की है। हम सरकार से मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी शिक्षा के नाम पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से सिलेबस से स्वतंत्रता सेनानियों का, पूर्व मुख्यमंत्रियों का सिलेबस को खत्म किया है, ये लोग तो इतिहास को भी बदलना चाहते हैं। इससे बहुत ज्यादा नाराजगी हरियाणा प्रदेश में है। क्लाद विधानसभा के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग पूर्व जजपा के उम्मीदवार रहे सतविंदर सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान जजपा के जिला अध्यक्ष भूप सिंह माजरा भी मौजूद रहे। पूर्व जजपा के उम्मीदवार सतविंदर सिंह राणा ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो जिला परिषद व ग्राम पंचायत के चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेंगे। हरियाणा प्रदेश के पंचायती चुनाव को लेकर जजपा द्वारा कलायत पहुंचे पूर्व विधायक एवं जजपा कैथल प्रभारी सतविंदर राणा खींचतान को फिर से हवा दे गए। सतविंदर राणा का फोकस मुख्य दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत करने पर रहा। राणा ने कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जजपा 50 से अधिक सीटें जीतकर दुष्यंत चौटाला के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज बहनाने का लक्ष्य को लेकर काम कर रही है। मैं तो 15 दिन में 38,000 वोट ले गया हैं? इस तो प्रोड क्या है, वो तो जो मुद्दे जिनने आज तक मतलब सोती नहीं आई उनको, तो मैं तो नौगाम वोट मांगने भी नहीं जा पाया, तो मेरे को कोई पीड़ा नहीं है। मैं तो इन बहादुर लोगों को नमस्कार करता हूँ कि इन्होंने जिस तरह से मेरे को, तो यहाँ पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जेजेपी जो है सारे के सारे सरपंच बनाएंगे और 6 के 6 यहाँ पे जो है जिला परिषद के मेंबर बनाएंगे और चेयरमैन भी हम अपना बनाएंगे, जैसे प्रताप जी ने कहा है। और फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।